सो गाइज, मैं और एक सुविचार लेके आया हूँ आप लोगों के लिए। जिसके मन का भाव सच्चा होता है, उसका हर काम अच्छा होता है। गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो अभी सुबह के 7 बजे हैं और उठते ही मैंने ना टाइगर को खोल दिया है, ये देखिए। और ये कंटिन्यू मेरे साथ शरारत किए जा रहा है, ये देखो, रुक ही नहीं रहा। कंटिन्यू 20 मिनट से ऐसे लगा हुआ है। दिखाता हूँ आप लोगों बैक कैमरे से, तो ये देख सकते हैं टाइगर बिल्कुल ही नहीं रुक रहा और मैं भागता जा रहा हूँ। टाइगर ये देखिए, टाइगर रुक जा। बस 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 बस, इसको खोलते कम है ना, तो मतलब खोलते के साथ शरारत करनी स्टार्ट कर देता है। ये देखिए, जूते भी मेरे गंदे कर दिए इसने सारे मिट्टी के। टाइगर ऊपर देख, टाइगर बस बस, ये देखो बट कवर रहा है, छोड़ देता है थोड़ा सा दबते ही, भरता नहीं जाता। मैं रुक गया तो शांत हो गया। हमने फार्म के पास ना मिट्टी भी डाल दी है, अब इसको अंदर डाली जाएगी और फिर हमारे 2-3 दिन में आ जाएंगे मुर्गे। तो अभी चलते हैं घर के लिए, क्योंकि निकलना है। सूरज देवता भी निकल चुके हैं, दिखाता हूँ आप लोगों को साइड उजाला। ये देखिए, ये देखे, तो ज़्यादा टाइम ख़राब ना करते हुए और टाइगर को दोबारा से ले जा करके इसको बेल से बांध देंगे। इसको हमने ना अभी रोटी देनी स्टार्ट नहीं की, बस दूध दूध पीता है ये, और काफ़ी बड़ा हो गया टाइगर। तो चलते हैं अभी घर की तरफ। तो गाइस, आज का प्लान चेंज हो चुका है, मैं दुकान पे ना जा करके कहीं और जा रहा हूँ। और अभी मेरे को गाड़ी को साफ़ करना है, तो भाई कह रहा है कि धो करके ले जाए गाड़ी को, तो पहले मैं गाड़ी धो लेता हूँ और चलते टाइम बताता हूँ कहाँ जाता हूँ। तो देखना आप लोग आगे भी, और अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें मेरी सारी वीडियोज़ देखने के लिए। सो गाइस, मैं चल पड़ा हूँ जहाँ मुझे जाना है, मैंने आप लोगों को अभी बताया नहीं है। चलो मैं बता ही देता हूँ, मैं जा रहा हूँ जीजी के पास, क्योंकि अब आ रही है दीपावली। तो दीपावली पे ना त्यौहार वगैरह कुछ ऐसा देना पड़ता है, मतलब अपनी सिस्टर को आप लोगों को पता ही है पहुँचाना पड़ता है, तो वो मैं देने के लिए जा रहा हूँ। मतलब वो क्या होता है कि कुछ फल फ्रूट दे दिए, कुछ मिठाइयाँ वगैरह हो गई, कुछ कपड़े वगैरह हो गए, तो इस तरह कुछ सामान है। तो पीछे देखो मैंने ले लिया है, हमारे किन्नू लग रहे थे, मैंने किन्नू ले लिए थोड़े से। और अभी मैं अपनी शॉप से मिठाई ले लूँगा, क्योंकि अपनी शॉप पे मिठाई है तो ज़रूर नहीं हम कहीं बाहर से खरीदें, तो वो शायद ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो चलते हैं अभी और पहुँचते हैं जीजी घर। जीजी मुझे रास्ते में मिलेगी, क्योंकि जीजी एक स्कूल में पढ़ाती है, प्राइवेट स्कूल, तो वहीं पर मिलने वाली है वो। तो मैं उसको पहले वहाँ से लूँगा अपने साथ और फिर घर जाके जल्दी से वापस आ जाऊँगा। तो चलते हैं फिर और आपको रास्ते का कुछ सीन दिखाते हैं। फिर मैं आ गया हूँ इस कंस्ट्रक्शन वाले रोड पर जो कि ये जा रहा है रेवाड़ी की तरफ, और मुझे इस रोड पे बस थोड़ी दूर चलना है, उसके बाद मैं राइट हो जाऊंगा। काफ़ी दिन हो गए आए हुए, मतलब रेवाड़ी की तरफ। वैसे तो मैं कल परसों भी आया था, तो देखते हैं किस साइड से रोड मुड़ता है। तो काम ना जोरों शोरों से चल रहा है, लगभग और 6 महीने में इस रोड का काम पूरा हो जाएगा। काफ़ी मशीनें वगैरह लग रही है, देख सकते हैं आप। तो ये देखिए, चलते हैं अभी आगे, गड्ढे वड्ढे हैं तो मेरे को देख के गाड़ी चलानी पड़ेगी। सो गाइज, मैं यहाँ आधे रास्ते में पहुँच चुका था, और रास्ते में ना कुछ ये सीन आते हैं, पहाड़ वगैरह आप देख सकते हैं, काफ़ी अच्छे हैं ये सीन। तो मैं अकेला हूँ तो मैं फ़ोटो वगैरह तो यहाँ पर नहीं ले सकता, लेकिन इनकी वीडियो तो बना ही सकता हूँ। सामने भी कुछ अच्छे पहाड़ हैं, दिखाई दे रहे आपको, तो ये काफ़ी अच्छे दिखाई दे रहे। तो मैं रुक गया था यहाँ पे वीडियो बनाने के लिए, और हरियाली भी काफ़ी अच्छी है। और लगभग मैं आधे घंटे में जीजी के पास पहुँच जाऊँगा, और फिर जल्दी से काम ख़त्म करके आता हूँ वापस। तो चलते हैं फिर और पहुँचते हैं, धूप भी काफ़ी तेज़ हो रही है। सो गाइस, मैं आ चुका हूँ बावल में, और मैं उस रास्ते पे जा रहा हूँ जहाँ पे जी स्कूल में पढ़ाती है। तो मैंने कॉल कर दी है, और एक बार जा करके फिर कॉल करनी पड़ेगी।
पहली बार आ रहा हूँ मैं, पता नहीं कितनी दूर है। कच्चे रास्ते में चल रहा हूँ बाजार से साइड आकर, तो देखते हैं कितनी दूर और चलना पड़ता है। और देख सकते हैं कितना खराब रास्ता है, उबड़ खाबड़ सा रास्ता है ये, स्कूल का भी रास्ता ऐसा है बताओ। तो कितनी दूर और बचा है पता नहीं, मुझे पूछना पड़ेगा किसी से। शायद आ गया है स्कूल, सामने मेरे को दिखाई दे रहा है। ये कुछ इस साइड आपको बसें वगैरह दिखाई दे रही होंगी, अभी मैं फोन करूंगा। तो ये स्कूल की बिल्डिंग है, छोटा स्कूल, ज्यादा बड़ा नहीं है। ये देखिए सी आर कॉन्वेंट स्कूल बावल। तो गाड़ी को लगा देता हूँ यहीं और कर देता हूँ कॉल जल्दी से। ये देखिए ये स्कूल का गेट है। तो मैंने जीजी के पास कॉल कर दी है, वो कह रही थोड़ी देर वेट कर मैं आ रही हूँ। तो मैं इस रूम में आ गया, पता नहीं स्टाफ रूम है क्या है, कुछ चेयर वगैरह रखी है यहाँ पे। तो भाई मैं आ चुका हूँ जीजी के घर पे, जीजी को लेकर। ये पार्थ भी आ गए स्कूल से, देखो क्यों आ गए तुम। ये अपनी मम्मी के साथ आ गया, इन्होंने अपना नया घर बनाया है, ये देख सकते हैं आप। बैक कैमरे से दिखाता हूँ। तो ये देखो एक रूम ये है, इसमें डिजाइन वगैरह बनाई है। हाँ पार्थ। और ये है वो सामने किचन, और ये जी चाय बना रही मेरे लिए। ये डिजाइन ज्यादा अच्छी लगी मेरे को तो इस तरह की। थोड़ा सामने से दिखा देता हूँ, ये सामने से देखो, ये ऊपर का पोर्शन है, नीचे अलग है। जैसे जैसे गाड़ी नीचे खड़ी है तो मतलब इसके सामने जो पोर्शन है वो अलग है और ये अलग है। ये नंगा है देखो, नंगा नंगा। तो यहाँ रुक के थोड़ी सी देर, 10-15 मिनट और चलते हैं फिर, है ना पार्थ, चला मेरे साथ। क्यों तो गाइस मैं खा रहा हूँ यहाँ पे खाना। जीजी ने रोटियां बना दी हैं, सब्जी बना दी है, लेकिन पार्थ चिप्स खा रहा है। मैं चिप्स लेके आया था इसके लिए, तो एक घंटे में 2-3 पैकेट खा चुका है। कितना एक खा चुका, ये दूसरा है। और देखो ये खाने में इतना सारा घी डाल दिया, मैंने रोटी खा के ली है, बीच में वीडियो शूट करने लगा हूँ मैं, और ये नहीं खा रहा बिल्कुल भी। खाना भी खा लिया है और थोड़ी देर मैं यहाँ रुक करके और अभी जस्ट निकल चुका हूँ। मुझे पहुँचने में लगभग 1.5 घंटा लगेगा, मैं सीधी दुकान पे चला जाऊँगा सीधा। देखता हूँ क्या करता हूँ, क्या टाइम होता है। अभी टाइम 1:15 है, तो मुझे देखता है कितना टाइम लगता है पहुँचने में। तो चलते हैं फिर सीधा, आपसे मिलते हैं घर पहुँचने के बाद ही। तो भाई मैं आ चुका हूँ अपनी दुकान पर, मैं घर नहीं गया सीधा, मैं दुकान पर आ गया था क्योंकि खाना तो मैंने खा लिया था वहीं पर जीजी के घर पर ही। तो घर क्या करता मैं जा करके, और मुझे अभी काफ़ी टाइम हो गया क्योंकि अभी तो ना 4:45 हो चुके हैं। और अभी जस्ट थोड़ी देर पहले मैंने देखा कि जो गाड़ी का टायर है ना वो बिल्कुल पिचका पड़ा था, वो पंचर हो चुका है। अच्छा हुआ कि रास्ते में नहीं हुआ, पता नहीं किस तरह से क्या हुआ। वो तो अच्छा है कि पास में ही दुकान है पंचर की, और मैंने वहाँ पर गाड़ी खड़ी कर दी है, पंचर वाला है वो लगा रहा है पंचर। तो वो आप सामने देख सकते हैं, गाड़ी थोड़ी सी दिखाई दे रही है सामने पंचर की दुकान, थोड़ा जूम कर दिखाता हूँ। वो देखिए वो खड़ी है गाड़ी, और पंचर वाला वहां पे पंचर लगा रहा है इस पेड़ की पीछे, दिखाई दे वो हाथ दिखाई दे रहा है उसका। थोड़ा और जूम कर देता, वो टायर रखा हुआ है ये देखिए, वो लगाने लग रहा है पंचर। तो पता नहीं कैसे क्या हुआ। तो मैं अभी पहुंच चुका हूँ घर पे, और मैंने काफी देर बाद वीडियो स्टार्ट की है। सभी बैठे हैं पे, मेरी माँ ने तो खाना भी खा लिया है, सब ने खा लिया, तो सब ने खा लिया, सिर्फ मैं ही बाकी हूँ। तो मैं खा लेता हूँ खाना, और फिर थोड़ी देर में करेंगे सोने की तैयारी क्योंकि आज काफी थक गया मैं। मैं भी डाल दूंगा रोटी, दे दो माँ। के बना रही कनक तू, यो के बना रही है जूस, किसके लिए?
ना किसके लिए बना रही है? ले आओ सा। केले आई जूस। गाइस कल के मैं ब्लॉग को एंड नहीं कर पाया था और आज है नेक्स्ट डे, तो कैसा लगा आप लोगों को आज का ब्लॉग कमेंट करके जरूर बता दें। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।